अपहरण केसेस। एक बैंक के मैनेजर का कल अपहरण कर लिया गया था और आज बैंक को लूट लिया गया। पुलिस बैंक मैनेजर का पता लगाने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने पता लगाने के लिए डिटेक्टिव मेहुल की मदद ली। तभी मेहुल को एक कॉल मिली जिसमें मैनेजर के स्थान के बारे में सूचित कर किया गया था। जगह पर तुरंत पहुंचने पर मेहुल ने पाया कि मैनेजर रस्सियों से बंधे हुए हैं। मैनेजर ने मेहुल को सूचित किया कि कल किडनैपर्स ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और लॉकर कोड के बारे में मुझसे पूछा और यहीं पर मुझे छोड़कर चले गए, कृपया मेरी रस्सी खोलिए। तो क्या मैनेजर ने मेहुल से झूठ बोला था या सच बोल रहा था? बताइए, आप अपने जवाब लिख भी सकते हैं। टाइम शुरू होता है अभी। झूठ, मैनेजर झूठ बोल रहा था। मेज पर आधा खाया केला रखा था, यदि यह कल से रखा होता तो केला खराब हो जाता, लेकिन मैनेजर ने इसे आज नहीं खा सकता था क्योंकि उसने अपने आप को रस्सियों से बांध लिया, इसलिए आधा ही केला खाया हुआ था। जॉन्टी को पेंट करना बहुत पसंद है और देखिए उसने कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है, सेब आम। जब वह अपनी पेंटिंग शुरू करने वाले थे तो उनके चाचा ने उनसे मुलाकात की। वह अपने चाचा के साथ थोड़ी देर के लिए खेले और फिर ये क्या, चाचा ने उसका किडनैप कर लिया। जब जॉन्टी के पिता ने उन्हें गायब पाया तो उन्होंने जासूस मेहुल को तुरंत फोन किया। मेहुल ने अपराध स्थल का विश्लेषण किया और कहा कि आपके एक मित्र या रिश्तेदार ने जॉन्टी का अपहरण कर लिया है। क्योंकि जॉन्टी चिल्लाया नहीं था, क्योंकि वह किसी जानकार को देखकर क्यों ही चिल्लाता, इसलिए वहां कोई शरारत का निशान भी नहीं था क्योंकि यह काम खेल खेल में हुआ था। जॉन्टी ने अपनी पेंटिंग में एक सुराग छोड़ दिया। मेहुल ने जॉन्टी के तीन चाचाओं को बुलाया। सुराग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें से किसने जॉन्टी का अपहरण किया है? सही पहचाना, राम ने ही जॉन्टी का अपहरण किया है, क्योंकि पेंटिंग में देखिए रेक्टेंगल शेप की पर्पल कलर की टाई का क्लू बनाया हुआ है, इसलिए वही अपहरण करता है, किडनैपर है। चलिए देखते हैं आगे। एक वैज्ञानिक ने एक मानव क्लोनिंग मशीन विकसित की। वह अपने प्रयोग को करने के लिए किसी की तलाश कर रहा था, इसलिए उसने एक बूढ़ी औरत को अपहरण कर लिया। वह उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया और उसे अपनी क्लोनिंग मशीन के अंदर डाल दिया। वैज्ञानिक ने जब महिला के बेटे को बुलाया और उसे अपनी माँ को देखने के लिए अपनी प्रयोगशाला में आने के लिए कहा, तब वह लैब में तुरंत पहुंचा, लेकिन चार महिलाओं को अपनी माँ की तरह देखकर हैरान हो गया। तो क्या आप इन चार महिलाओं को देखकर बता सकते हैं कि उस आदमी की माँ कौन है? ए, बी, सी या डी? सही पहचाना, सभी महिलाओं के बालों के रंग अलग अलग हैं, लेकिन उसकी माँ के बालों के रंग काला था, इसीलिए वह पहचान पाया। चलिए आगे देखते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए एक पिशाच दंपति पुलिस स्टेशन पहुंचे। देखो तो पिशाच भी शिकायत करते हैं, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। आगे देखें। कल रात से उनका बच्चा गायब है। डिटेक्टिव मेहुल ने उस गली की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की और तीन संदिग्धों की पहचान की, जैक, रॉबर्ट, सुसैन। इन तीनों लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों में से उस बच्चे का अपहरण किसने किया है? बताइए।
जैक, रॉबर्ट या सुसैन ने? आपका टाइम शुरू होता है अभी। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। सही जवाब, सुसैन ने ही उसका अपहरण किया है। पिशाचों को गुब्बारे और कैंडीज की कोई दिलचस्पी नहीं है, वे सब खून चाहते हैं, और ये भी पिशाच ही है। आगे देखते हैं। स्टेला अपनी बेटी के साथ पार्क में गई। उसे एक फोन आया और वह व्यस्त हो गई। फोन में बातें करने लगी, बिजी होकर। तभी एक नकाबपोश आदमी आया और उसकी बेटी को लेकर तुरंत किडनैप करके चला गया। स्टेला सिर्फ किडनैपर की एक झलक ही देख पाई थी। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे और स्टेला ने पूरी घटना का वर्णन किया। मेहुल ने चार डाउटफुल मैंस को पहचान की। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन चार आदमियों में से कौन अपहरणकर्ता हो सकता है? नंबर 1, 2, 3 या 4? बताइए। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। चलिए, टाइम शुरू होता है अभी। सही पहचाना। देखिए, किडनैपर के पास तीसरे आदमी की तरह ही उसकी गर्दन पर जन्म का निशान है। वही किडनैपर है। चलिए आगे देखते हैं। टॉनी को एक किडनैपर से फिरौती दी गई कि उसने टॉनी के बेटे को किडनैप कर लिया है और किडनैपर ने उसके बेटे के बदले में 1 करोड़ रुपए मांगे। टॉनी को पता था कि उसका बेटा स्कूल गया है। टॉनी ने अपने बेटे की टीचर को तुरंत फोन किया और टीचर ने बताया कि उसका बेटा तो स्कूल में ही है और टॉनी को उसके बेटे की एक फोटो भी भेजी। देखिए फोटो। तो टॉनी ने अपने बेटे की तस्वीर को देखने के बाद थोड़ा रिलैक्स किया कि हाँ, मेरा बेटा ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद में उन्हें अपने स्कूल से फोन आया कि उनके बेटे का किडनैप हो गया है। ये क्या? टॉनी बहुत घबराया। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को किडनैप के बारे में बताया और अपने बेटे की तस्वीर भी भेजी। मेहुल ने स्कूल में देखी गई सभी कारों की जानकारी एकत्र की। 3 कारें संदिग्ध पाई गई। कार 1, जिसके अंदर का सामान ये सब है। कार 2, देखिए ध्यान से। कार 3। इन 3 कारों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपहरण के लिए किस कार का उपयोग किया गया है? बताइए। आप अपने जवाब को कमेंट के रूप में लिख भी सकते हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है अभी। सही पहचाना। टीचर द्वारा भेजी गई फोटो में टॉनी का बेटा इसी बॉटल से पानी पी रहा था और यह बॉटल कार के अंदर रखी हुई है। तो इसी कार का इस्तेमाल उस बच्चे को किडनैप करने के लिए किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। किसी ने ओलिवर का अपहरण कर लिया। उनकी माँ ने जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने ओलिवर के कमरे की निरीक्षण किया। अंतिम पृष्ठ पर कुछ तस्वीरें खींची गई थी वहां, जो उसकी डायरी में इस तरह से बनी हुई थी। ये उस बच्चे की डायरी है फ्रेंड्स, और उसने ड्राइंग में लास्ट टाइम यही बनाया था। तो आप ध्यान से देख लीजिए। अपहरण के समय 3 लोग मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। जैकब, मुझे कार्यालय में एक कॉल मिला था और लगभग 1 घंटे तक उस पर था। मुझे कुछ भी नहीं पता। बॉबी, मैं सुबह से ओलिवर के कमरे में नहीं गया हूँ।
कोक मेडिसन। मैं ऑलिवर के दोपहर का भोजन पका रही थी, पूरे समय रसोई में ही थी। तीनों से पूछताछ करने और ऑलिवर के नोटबुक में चित्रों को देखने के बाद मेहुल ने अपहरणकर्ता की पहचान कर ली। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन है? जैकब, मेडिसन या बॉबी? बताइए। सही पहचाना, ऑलिवर ने पागल आंख और सूरज खींचा था बनाया था, जो मेडिसन को इंगित करता है। उसने ही अपहरण किया है। आज के लिए इतना ही, हाजिर होंगे कल नई वीडियोस के साथ, न्यू केसेस के साथ, तो रेडी रहिएगा। ओके।